ये सारी रात हमने यहाँ बिताई। अब ये हमने सामान अंदर से निकाल लिया है, ये नीचे हमने दो कंबल बिछा रखे थे और अब हम ये अपने टेंट को अनकैंपिंग कर रहे हैं, खोलेंगे और पैक करेंगे। ये सामने बहुत अच्छा व्यू, सनराइज बहुत बढ़िया हुआ है, एकदम धूप खिल के आई है, थोड़ी ठंड में राहत मिली है। ये नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है, कार पे अभी भी बर्फ़ जमी हुई है, पूरा बर्फ़ है, तो रात की ओस और ठंड का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी ठंड थी। देखिए पूरी बर्फ़ है, ऐसे ही छत के ऊपर। धूप निकल चुकी है लेकिन फिर भी ये इतनी मोटी लेयर बर्फ की जमी है, पूरी धूप निकली हुई है। तो ये ऊपर मंदिर 8:15 के आसपास, और आप देखिए कितना सुंदर सीन है यहाँ से, बहुत ही सुंदर। आज हम यहाँ सुबह 10 बजे के आसपास टिहरी पहुँच गए थे, हमने यहाँ पे अपना रूम लिया होटल में और उसके बाद फ्रेश होने के बाद नाश्ता वाश्ता कर अब हम यहाँ एक पिकनिक स्पॉट है वो देखने जा रहे हैं, और उधर से हिमालय व्यूज़ पूरा दिखता है। तो चलो चलते हैं पिकनिक स्पॉट, एंजॉय करते हैं उसको, देखते हैं कैसा व्यू दिखता है वहाँ से। ये अब हम लोग यहाँ ऊपर चढ़ाई चढ़ के जा रहे हैं, देखते हैं आगे कैसा स्पॉट दिखता है, कैसे नज़ारे यहाँ से दिखते हैं। शुरुआत तो अच्छी है, पूरे पेड़ ही पेड़, ग्रीनरी। ये मेरे साथ संजय, आगे आगे। थैंक्स। ये यहाँ से टिहरी, न्यू टिहरी का नज़ारा, चे यहाँ झूला झूल रहे हैं। पहाड़ी की चोटी के ऊपर बना हुआ है पार्क, लगभग हम टॉप पर आ चुके हैं, कुछ झूले लगे हैं। इस समय जो माउंटेन रेंज है वो फॉग में छुपी हुई है, यहाँ से दिख नहीं रही प्रॉपर। इस पार्क के पीक पर आ चुके हैं, बिल्कुल पहाड़ी की बिल्कुल चोटी के ऊपर बना है। संजय सामने, इसको जिम मिल गया तो एक्सरसाइज करने के लिए, उसका ध्यान तो एक्सरसाइज में चला गया। और ये मैं आपको यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ। इस समय फॉग बनी हुई है पूरा, नहीं तो यहाँ से हिमालय की बहुत अच्छी रेंज नज़र आती है, क्योंकि तो धुंधला मौसम हुआ हुआ एकदम से, तो सामने हिमालय पीक्स इस समय नहीं दिख पा रही हैं। और ये नीचे डैम है, डैम यहाँ से नज़र आ रहा है, टिहरी का डैम, बहुत बड़ा डैम है ये। सामने टेंपल, वो अलग पहाड़ी के ऊपर टेंपल है दूसरे हिस्से पर, और ये यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। और धूप में इस समय भी बहुत अच्छी ठंडी हवा यहाँ चल रही है, बैठने के अच्छे अरेंजमेंट हैं, साफ़ सुथरा पार्क है। यहाँ सुबह बच्चे
जॉगिंग करके ऊपर तक आते हैं और यहाँ फिटनेस के लिए उनके लिए कुछ जिम के इंतज़ाम किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ पार्क में आने की कोई फीस किसी तरह की नहीं है, आप नीचे गाड़ी पार्क करें और आप पार्क में आके पार्क का एंजॉय करें। मैं और संजय दोनों वापसी की तरफ एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट का एंजॉय लेने के बाद अब हम नीचे को जा रहे हैं जहां हमने गाड़ी पार्क करी है। पूरी ढलान है और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर चलते हैं, टिहरी घूमते हैं, टिहरी में एंजॉय करते हैं। ये आप देखिए टिहरी की मार्केट, एक अच्छी सुंदर मार्केट और सब कुछ अवेलेबल है, मेडिसिन, डॉक्टर्स, यहाँ स्कूल वगैरह का भी बहुत अच्छा बंदोबस्त है, सब एक अच्छी मार्केट है यहाँ। यहाँ लोकल लोगों के लिए जो यहाँ रहने वाले हैं, बैंक फैसिलिटी, एटीएम फैसिलिटी और बाज़ार, खाने पीने का सामान, ये हनुमान जी की यहाँ मूर्ति है चौक के ऊपर। अब ये बैंक ऑफ बड़ौदा, हर तरह का बैंक है यहाँ, हर तरह की सुविधा, सब्जियाँ, सब चीज़ अवेलेबल है। ये हम लोगों ने स्टे किया है यहाँ होटल पारस, यहीं से हम गए थे। अब हम आगे चलेंगे टिहरी का मार्केट और आगे घूमेंगे। दोस्तों ये बुरारी करके जगह है, यहाँ ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे गणपति जी की मूर्ति स्टैचू बना हुआ है चौक के बीचों बीच, और इससे पीछे गुरुद्वारा और गढ़वाल मंडल विकास निगम वालों का होटल है। और यहाँ ये लोकल मार्केट है, चलो आपको मैं यहाँ की लोकल मार्केट दिखाता हूँ। तो यहाँ सिविल हॉस्पिटल से आगे दुर्गा मंदिर है, थोड़ा सा यहाँ शायद रेनोवेशन का काम भी चल रहा है, बहुत अच्छा मंदिर है ये। ये देखिए यहाँ हेलीपैड भी बना हुआ है। उस साइड से आते तो शायद हमें यहाँ ऊपर कार पार्किंग मिल जाती, दो तरफ से आने का रास्ता है, लेकिन कोई नहीं, कोई ज़्यादा चल के नहीं आना पड़ा। ये टिहरी का हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ बना हुआ है, लोगों को सुविधा यहाँ पे, इस चीज़ की मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी मिल रही है। टिहरी का बहुत ही शानदार व्यू इस मंदिर से नज़र आता है, बहुत सुंदर। दोस्तों ये सामने टिहरी का स्टेडियम, ये जी बीच में जो टावर नज़र आ रहा है और ग्राउंड आपको दिख रहा है, यहाँ टिहरी में स्टेडियम है। मंदिर के दूसरी साइड से भी मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, टिहरी सिटी कैसा है। जो टिहरी डैम जब बना था तब गवर्नमेंट ने लोगों को एस्टेब्लिश किया था नई टिहरी में, इनको जॉब्स दी गई थी और ये सब मकान बनाकर दिए गए थे।